बस एक दिन घर में नहीं था तो देखिए कितना सारा कचरा हो गया है मेरी किचन रूम। आज कृष्णा के पापा सिगड़ी जला रहे हैं और मुझे धोना है बर्तन, तो मैं उनको कहा सिगड़ी लगाने के लिए। और बर्तन भी कितना सारा हो गया है तो मैं धो रही हूँ अभी। इसमें है अरुआ और उसना की चावल और दाल, रात से भिगो करके रख दिया था। अभी पिंकी घर में मैं ग्राइंडिंग कर रही हूँ, इससे मैं बनाऊंगी पीठा। मेरे पास बीरी की दाल नहीं थी तो मैंने मसूर की दाल उसमें डाल दिया है, आप बीरी की दाल ही लगाना। ग्राइंडिंग हो गया, मैं नारियल को कोर करके रख देती हूँ और उसमें मिला दूंगी। अभी इसमें मैं मिला रही हूँ थोड़ा सा हल्दी खूबसूरत दिखने के लिए, और ये गुड़ है, आप चीनी भी डाल सकते हैं। स्वाद अनुसार नमक भी डाल रही हूँ। तुम्हें से न दही हो कि न दही हो जे न दही रहले गुटे सरकारे बुझ लो, पिंगी बाल के जे कुरी देवी बोली नहीं कोई वो। इसमें वो पिसा हुआ नारियल को भी डाल रही हूँ और इसको मिक्स कर दूंगी। अभी प्रेशर कुकर में थोड़ा सा तेल दे रही हूँ ताकि ये नीचे ज़्यादा चिपके नहीं। चावल की पिठौ को अभी मैं प्रेशर कुकर में डाल रही हूँ। थोड़ा धीमी आंच में इसको पकाना ताकि नीचे ये चिपके नहीं। और ये देखिए गांव में कितनी तेज बारिश हो रही है, बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही है 3-4 दिनों से। घर में भी चारों तरफ पानी पानी ही हो गया है। नीचे देखिए चारों तरफ किस तरह से बारिश के पानी में भीग गई है फर्श हमारा। गणेश पूजा के दिन से ही हमारी गांव में बारिश हो रही है लगातार, तो देखिए किस तरह से बारिश हो रही है। और हमारी घर जो है पूरी तरह से भीग गई है, चारों तरफ जिधर देखो पानी पानी हो गई है, अंदर बाहर सब जगह। छोटा सा घर है तो कहीं भी सूखे जगह नहीं है और हम लोग बहुत परेशान हो गए हैं। और आज कृष्णा भी घर पे नहीं है, उसके मामा के घर गई हुई है, तो अच्छा भी नहीं लग रहा है, इधर उधर खेलता रहता है हमेशा, तो मन बहुत बेचैन हो रही है। वो नहीं है तो दिखाती हूँ आपको बारिश में किस तरह से हमारी घर जो है चारों तरफ पानी पानी हो गया है। तीन सीटी के बाद मैंने इसको उतार दिया है, तो देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है मेरी पिठा। अब मैं इसको खा के दिखाती हूँ आपको, बहुत टेस्टी लग रही है, आप एक बार ट्राई करके देखना और मुझे कमेंट करके बताना कैसा लगा। तो मेरी वीडियो पसंद हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, थैंक यू मेरी वीडियो को देखने के लिए। बहुत ही टेस्टी लग रही है ये मेरी पीठा, आप भी एक बार ट्राई करना और खा के देखना।